टॉपिक है फंगी। फंगी होती है यूकैरियोटिक, एरोबिक, मल्टीसेलुलर, रिजिड सेल वॉल होती है चिटिन से बनी हुई। स्टडी ऑफ फंगी को माइकोलॉजी कहते हैं और इसे आइडेंटिफाई किया था एगोस्टिन बासी ने 1835 में। देन फंगी जो होती है उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं, और जब ये बहुत सारे हाइफी मिलके एक हार्ड मास बना लेते हैं तो उसे माइसीलियम कहते हैं। देन आती है इसकी मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आती है यीस्ट, ये होती है यूनिसेलुलर और राउंड। देन आती है यीस्ट लाइक फंगी जिसमें चेन ऑफ बर्ड्स होते हैं, मोल्ड्स, ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इनका, मल्टीसेलुलर होते हैं, इसमें हाइफी और माइसीलियम प्रेजेंट होते हैं। देन डायमॉर्फिक फंगी, ये यीस्ट की तरह या मोल्ड्स की तरह हो सकती है, दोनों की तरह हो सकती है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, ये है जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज में सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स दोनों फॉर्म होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर्स होते हैं फॉर्म सैक में जिनको हम एस्कस कहते हैं सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू। देन बेसिडोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर होते हैं जिनको हम बेसिडियो स्पोर कहते हैं टिप पे या फिर सरफेस पे बेसिडियम के। देन ड्यूट्रोमाइसिटीज को ये सेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस नहीं करते, और जो फंगी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की होती है वो इस क्लास को बिलोंग करती है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन या रेप्लिकेशन ऑफ फंगी, तो ये सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों तरीके से हो सकता है। सबसे पहले सेक्सुअल वे में क्या होता है, ये होता है डेवलप्ड फंगस जैसे कि मोल्ड्स में, तो मैस्कुलिन और फेमिनिन हाइफी जो होते हैं इनमें स्पोर और माइसीलियम प्रेजेंट होता है, तो उसके बाद इसमें प्लाज्मोगैमी होती है, दोनों एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। देन फिर कैरियोगामी होती है जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है, फिर डेवलपमेंट होती है जाइगोट में, तो उसमें हाइफी प्रोड्यूस होता है जिससे न्यू फंगस प्रोड्यूस हो जाती है। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है, हाइफी से बल्ब लाइक प्रोजेक्शंस निकलने शुरू हो जाते हैं, जो कि बर्ड होते हैं वो ग्रो होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, और उस बर्ड से न्यू फंगी प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रैगमेंटेशन, जो माइसीलियम होता है उसमें प्लाज्मोगैमी होती है उसके हाइफी में, फिर कैरियोगैमी होती है जिससे बहुत सारे न्यू फंगस प्रोड्यूस हो जाते हैं। देन नेक्स्ट है स्पोर फॉर्मेशन, जो माइसीलियम होता है उसमें जाइगोस्पोर प्रेजेंट होता है जिससे वो बहुत ज़्यादा जब ज़्यादा डेवलप होते हैं तो माइसीलियम फट जाता है और उसमें से न्यू फंगस निकल जाती है। देन कोनिडिया से जब फंगी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता, मतलब कि एडवर्स कंडीशन में जो माइसीलियम होते हैं उसमें ऐसे बहुत सारे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, और जब उसको फेवरेबल कंडीशंस मिलती है तो ये अलग अलग ऐसे सेपरेट हो जाते हैं और न्यू फंगस प्रोड्यूस हो जाती है। इससे कल्टीवेशन ऑफ फंगी, जो सेबोरा अगार है, जो अगार ग्रोथ मीडिया होता है जिसमें पेप्टोन होता है प्रेजेंट, ये प्रोसेस डेवलप किया था सेबोराड ने 1892 में, और जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर लिया गया था इंक्यूबेशन का वो था 30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिफाइड एनवायरनमेंट में 21 डेज के लिए, और कॉलोनीज फॉर्म हो जाती है कल्चर मीडिया में। टॉपिक है वायरस, तो वायरस होता है स्मॉलेस्ट इन्फेक्टिव एजेंट जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप चाहिए होता है। ये एक पैरासाइट है और ये एक लिंक होता है या कनेक्शन होता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स में इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, लिविंग थिंग्स में इसकी ग्रोथ होती है। स्टडी ऑफ वायरस को हम वायरोलॉजी कहते हैं, ये प्रोकैरियोटिक होता है और ये बहुत सारे डिजीज़ कॉज करते हैं जैसे कि एड्स, हाइड्रोफोबिया, पोलियो, कोविड। देन ये आता है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है लैटिन में पॉइजन। देन अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है,
डीएनए और आरएनए प्रेजेंट होता है। डीएनए एनिमल्स में होता है, आरएनए प्लांट्स में होता है। और कैप्सोमियर होता है जो कि सिंगल कैस्पेड का होता है। देन आती है इसकी क्लासिफिकेशन, अटैक या होस्ट के बेसिस पे ये होता है जूफैजी ने जो कि एनिमल को अटैक करता है, फाइटोफैजी ने जो प्लांट को, और फैजी ने जो बैक्टीरिया को। एसिड के बेसिस पे ये डीएनए वायरस और आरएनए वायरस हो सकता है। और मॉर्फोलॉजी के हिसाब से हेलिकल सिमेट्री जो कि टोबैको मोज़ेक वायरस, रेबीज वायरस में प्रेजेंट होती है। आइकोसा टेट्राहेड्रन सिमेट्री जो पोलियो वायरस, हर्पीस और सिंप्लेक्स वायरस में होती है। और कॉम्प्लेक्स सिमेट्री बैक्टीरियोफेजेस में होते हैं जो कि नेचुरली फाउंड होते हैं रिवर्स में, और ये गुड वायरस होते हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है रेप्लिकेशन इन वायरस। सबसे पहले जो वायरस होता है उसका बैक्टीरियल सेल पे जो अटैचमेंट होता है, देन उसके बाद वो पेनेट्रेट होता है और अंदर जाके उसकी अनकोटिंग होती है। देन वो रेप्लिकेट करता है, उसमें बायोसिंथेसिस होती है। देन वायरस जो है वो बॉडी के अंदर मैच्योर करता है। देन यहाँ पे जब वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो लेस स्पेस होती है सेल में, इस वजह से जो सेल है वो फट जाता है और जो वायरस करता है वो ट्रैवल करता है हमारी बॉडी में। अनकोटिंग होती है तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी होती है जिसके बाद रेप्लिकेशन होती है। देन नेक्स्ट टॉपिक आता है कल्टीवेशन। तो जैसे कि हमें पता है कि जो वायरस होता है वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, तो वो होस्ट पे डिपेंड करता है और वो नॉन लिविंग कल्चर में ग्रो नहीं कर सकते उसे, तो इसलिए हमें लिविंग सेल्स चाहिए होते हैं उसकी रेप्लिकेशन को सपोर्ट करने के लिए। तो जो टेक्निक होती है, सबसे पहली इन वीवो जो लेबोरेटरी ब्रेड एनिमल्स पे और एम्ब्रियोनिक बर्ड टिश्यूज़ पे होती है, और इन विट्रो जो कि सेल और टिश्यू कल्चर मेथड से होती है। पहले एनिमल इनोक्यूलेशन की बात कर लेते हैं। एनिमल इनोक्यूलेशन में जो लैब एनिमल्स होते हैं जैसे कि माइस, गिनी पिग, हैमस्टर, रैबिट लेते हैं, और वो एनिमल जो होता है वो फ्री फ्रॉम डिजीज़ होना चाहिए, और उसमें हम वायरस इनोक्यूलेट कर देते हैं इंट्रानेजल या इंट्रासेरेब्रल रूट के थ्रू। देन वायरस जो है वो मल्टीप्लाई करेगा होस्ट में और डेवलप करेगा डिजीज़। देन हम एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हैं उनके सिम्टम्स के लिए और कि उनकी डेथ ना हो। देन वायरस को आइसोलेट और प्योरीफाई कर लेते हैं उनके टिश्यू से उन एनिमल्स के। नेक्स्ट आता है सेल कल्चर जो कि इन विट्रो है। तो जो टिश्यू होता है उसे हम ट्रीट करते हैं ट्रिप्सिन कोलाजिनेज से, तो जो सेल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। देन उसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं सेल्स को कल्चर मीडिया में, वो ग्रो करते हैं और मोनोलेयर फॉर्म कर लेते हैं बॉटम में। देन वायरस को इनोक्यूलेट करते हैं इस मोनोलेयर में और वो सेल को इन्फेक्ट कर देता है, तो सेल मर जाता है और प्लाक फॉर्म हो जाती है। टॉपिक है डिसइंफेक्टेंट। तो ये यूज़ करते हैं हम सिर्फ नॉन लिविंग सर्फेसिस के लिए, और ये रिड्यूस करता है नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एक लिमिट तक कि वो अब इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकते। देन आइडल डिसइंफेक्टेंट जो होगा वो इजी टू अप्लाई एंड रिमूव होगा, नॉन क्रोजिव और नॉन टॉक्सिक होगा और इजीली अवेलेबल होगा। हम देखें तो ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन पे हम इसे डिवाइड कर सकते हैं नेचुरल, फिजिकल और केमिकल में। नेचुरल जैसे कि एयर होती है और सनलाइट होती है। देन फिजिकल में आते हैं हीट, ड्राई हीट और मॉइस्ट हीट। और केमिकल्स हमारे हो सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ऑन द बेसिस ऑफ कंसिस्टेंसी हम डिवाइड कर सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में। तो सॉलिड में आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइपरक्लोराइड। लिक्विड में आ सकता है अल्कोहल, एल्डिहाइड, हैलोजेंस, फिनॉल, एसिड, एस्टर। गैस में आ सकते हैं ओजोन, फॉर्मेल्डिहाइड वेपर्स, इथाइलीन डाइऑक्साइड, प्रोपाइलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन। द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी में ये सारे के सारे किल कर देते हैं वेजिटेटिव सेल माइक्रोब्स को, और स्पोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं होता।
तो ये डिवाइडेड होते हैं लो, इंटरमीडिएट और हाई लेवल पे। तो जो लो लेवल वाले होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं सम फंगी और फ्यू वायरस को। इसमें आते हैं आयडोफोर्स, फिनॉल्स, क्वार्टनरी, अमोनियम कंपाउंड्स। इंटरमीडिएट डिस्ट्रॉय करते हैं ऑल फंगी एंड सम वायरस, जो कि होते हैं अल्कोहल, क्लोरीन और फिनॉल। और हाई लेवल वाले सारे फंगी और सारे वायरस को मार देते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, एल्डिहाइड, ग्लूटरएल्डिहाइड। है मोड ऑफ एक्शन, तो ये एक्ट करते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पे, जैसे कि क्वार्टनरी, अमोनियम कंपाउंड्स, फिनॉल्स, अल्कोहल्स। जो फिनॉल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, डिनेचर कर देते हैं प्रोटीन को। ये डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलेंट होते हैं। अल्कोहल होता है, ये डिसॉल्व कर देता है मेम्ब्रेन लिपिड्स को, रप्चर कर देता है मेम्ब्रेन को, प्रोटीन डीनेचर कर देता है, सेल की लाइसिस कर देता है। देन नेक्स्ट होता है डीनेचरेशन ऑफ सेलुलर प्रोटीन, जिसमें वो करते हैं एल्डिहाइड और हैलोजन्स। तो जो एल्डिहाइड होता है रिएक्ट करता है एमिनो एसिड्स के साथ और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देता है। देन नेक्स्ट आता है ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर कंटेंट्स, जो कि होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, इथाइलिन डाइऑक्साइड। देन नेक्स्ट आता है एल्काइलेशन ऑफ द कंटेंट, जो कि आता है फॉर्मेल्डिहाइड, बीटा प्रोपियोलैक्टोन, ग्लूटरएल्डिहाइड। जो बाइगुआनिसाइड्स होते हैं ये रप्चर कर देते हैं सेल मेम्ब्रेन को और सेल की परमेबिलिटी को चेंज कर देते हैं। देन जो हैलोजन्स होते हैं वो इंट्रैक्ट करते हैं थायोल और एमिनो ग्रुप से, जिसकी वजह से प्रोटीन डी नेचुरेशन होती है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जो आयोडीन होता है और क्लोरीन या आयोडोफोर्स, हाइपोक्लोराइड। जो इनमें से आयोडीन होता है ये एंटीसेप्टिक होता है और ये ऑक्सीडाइज कर देता है सेल को। देन क्वार्टनरी अमोनियम कंपाउंड जो है सेल मेम्ब्रेन को डैमेज कर देते हैं, लॉस ऑफ साइटोप्लाज्म, हाई कॉन्सेंट्रेशन में सेल कोएगुलेशन हो जाती है। ऑर्गेनिक एसिड एस्टर जो होते हैं ये सेल लाइसिस कॉज करते हैं, मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है, साइटोप्लाज्मिक लीकेज हो जाती है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिसइंफेक्शन, जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ डिसइंफेक्शन होगा। देन टेम्परेचर, ये भी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ डिसइंफेक्शन होगा। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट, हमें सफिशेंट टाइम देना होगा डिसइंफेक्टेंट को। देन जो पीएच में 6 to 8 पीएच ऑप्टिमम होती है, जिसमें ग्रोथ होती है, तो 6 से कम और 8 से ज़्यादा पीएच होनी चाहिए। देन सरफेस टेंशन, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होना चाहिए हमारा उतनी अच्छी उसकी सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी होगी एक्वा सोल्यूशन में। देन फॉर्मुलेशन पे भी डिपेंड करता है। एंटीसेप्टिक होते हैं जिनको हम लिविंग सरफेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल, क्लोरोहेक्सिडिन, क्लोनेट, हैलोफिनॉल, क्लोरोऑक्सीनॉल, हैलोजन। टॉपिक है इवैल्यूएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, तो इवैल्यूएशन में हम करते हैं एबिलिटी चेक करते हैं, एफिकेसी चेक करते हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ताकि हमें पता चले कि वो कितना इफ़ेक्टिव है। तो सबसे पहला होता है फिनॉल कोफिशिएंट टेस्ट या फिर हीडल वॉकर टेस्ट। इसमें जो हमारा टेस्ट केमिकल यानी कि जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसे कंपेयर करते हैं फिनॉल के साथ उसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी से, और जो रिज़ल्ट आते हैं वो फिनॉल कोफिशिएंट की फॉर्म में आता है। तो हम इसमें यूज़ करते हैं सैल्मोनेला, टाइफी, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, पीसोडोमोनास, ओरिजिनोसा। देन अगर पार्टीशन कोफिशिएंट लेस देन 1 होता है तो लेस इफेक्टिव होगा वो फिनॉल से, और मोर देन 1 होगा तो मोर इफेक्टिव होगा। जो हमारा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर होगा 24 आवर पुराना, उसको हम 0.5 ml सारी टेस्ट ट्यूब्स में डालेंगे और इनक्यूबेट करेंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 to 72 आवर्स के लिए। देन हर 2.5
7.5-10 मिनट्स के बाद इनोकुलेटिंग लूप का यूज़ करते हुए हम सैंपल लेंगे और उसको रिकवरी कल्चर में डालेंगे और चेक करना है हमको टाइम टेकन। देन जो टेस्ट डिसइंफेक्टेंट होगा, जो उसका स्टॉक सॉल्यूशन होगा, बनाएंगे डाइल्यूशंस 1/1000, 1/1200, 1/1400 और 1/1600 के हिसाब से, और फिनॉल से भी सेम 1/100, 1/120, 1/140 और 1/160। फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे यूजिंग हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट जो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 7.5 मिनट्स में, लेकिन 5 मिनट्स में नहीं करता। और उसी तरीके से भी फिनॉल का भी हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल जो किल कर देता है 7.5 मिनट्स में, लेकिन 5 में नहीं करता। साथ है चेक मार्टिन टेस्ट, ये फिनॉल कोफिशेंट टेस्ट की तरह है, लेकिन इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है। जो डिसइंफेक्टेंट होता है उसे हम इवैल्यूएट करते हैं एक मीडियम में जिसमें 3% ऑर्गेनिक मैटर लेते हैं, जो कि ड्राइड ह्यूमस पीसेस या फिर ड्राइड यीस्ट होती है। तो इसमें हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टेस्ट डिसइंफेक्टेंट दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनॉल दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये भी जिसमें सिमिलर एब्सेंस होती है ग्रोथ की। देन हम 3% सस्पेंशन लेते हैं ऑर्गेनिक मैटर की, ये बनाते हैं हम 3 ग्राम ऑर्गेनिक मैटर डाल देते हैं 100 ml ऑफ वाटर में, और जो 24 आवर ओल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कल्चर है उसमें डाल देते हैं। देन फिर हम टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं फिनॉल वाली और हमारी ऑर्गेनिक मैटर वाली, 0.5 ml डालेंगे, शेक करेंगे और उनका कॉन्टैक्ट अलाउ होंगे। देन 30 मिनट्स के लिए रखेंगे, इनक्यूबेट करेंगे और फिर इसमें डालेंगे 10 ml रिकवरी कल्चर मीडिया। देन 37 डिग्री सेल्सियस पे 48 आवर्स के लिए इनक्यूबेट करेंगे और फिर कैलकुलेट कर लेंगे। इन वाली टेस्ट ट्यूब्स में डिफरेंट डाइल्यूशंस हैं फिनॉल की 2.5 ml ईच टेस्ट ट्यूब में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और इन वाली टेस्ट ट्यूब्स में 2.5 ml माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सस्पेंशन है और 3% ऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर है, वो डिसइंफेक्टेंट है जिसे हमें टेस्ट करना है। नेक्स्ट टेस्ट है कैल्सीसाइक्स टेस्ट या फिर ट्रिपल चैलेंज टेस्ट या फिर कैपेसिटी टेस्ट। इसमें हम टेस्ट डिसइंफेक्टेंट को जो कंटैक्ट में होता है माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के 3 times लाते हैं और सेम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं हर बार। जब हम इसे क्लीन कंडीशंस में करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर डर्टी कंडीशंस में करते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर लेना पड़ता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 30 मिनट्स की, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हम यूज़ करते हैं पी एरोजेनोसा, पी वल्गैरिस, पी स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और ईकोलाई। तो इसमें जो रिज़ल्ट होता है वो या तो पास होता है या फेल होता है। सबसे पहले हम टेस्ट डिसइंफेक्टेंट लेते हैं 3 ml और माइक्रोबियल सेल लेते हैं 1 ml, इन्हें शेक करते हैं ताकि कॉन्टैक्ट में आ जाए। 8 मिनट्स के बाद इसको हम न्यूट्रिएंट मीडिया में डालते हैं ताकि हम चेक कर सकेंगे डिसइंफेक्टेंट्स को। तो 0.1 ml लेते हैं हर में। अगर इसमें ग्रोथ है तो मतलब कि वो किल नहीं हुआ है। देन नेक्स्ट टाइम फिर से डिसइंफेक्टेंट 3 ml, माइक्रोबियल सेल 1 ml, उसी में ही हम माइक्रोबियल सेल डाल देते हैं 1 ml, और फिर 18 मिनट्स के बाद चेक करते हैं, और फिर लास्ट टाइम हम 28 मिनट्स के बाद चेक करते हैं। हमने देखा कि हम इसमें माइक्रोबियल सेल 1 ml बार बार बढ़ाते गए, इसमें एक ही था तो इसमें 2 हो गए और लास्ट टाइम में हमारे 3 हो गए। टॉपिक आता है बैक्टीरियो स्टैटिक एंड बैक्टीरीसाइडल। तो स्टैटिक मतलब कि स्टॉप करना, तो ये इनहिबिट कर देता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, और जो बैक्टीरीसाइडल होता है ये किल कर देता है बैक्टीरिया या बैक्टीरिया को। देन बैक्टीरियो स्टैटिक
के एग्जांपल होते हैं टेट्रासाइलिन, क्लोरम फेनिकॉल, और बैक्टीरियसाइडल के होते हैं पेनिसिलिन, ऑफ्लोक्सैक्सिन। देन इसको हम कर सकते हैं सीरियल डाइल्यूशन से, कप प्लेट, फिश स्पाइन बीड, सिलेंडर फिल्टर प्लेट मेथड, ग्रेडियंट प्लेट, डिच प्लेट मेथड, और बैक्टीरियसाइडल का एंड पॉइंट एक्सटिंक्शन टाइम मेथड, काउंटिंग टाइम मेथड, टर्बिडेट्रिक असेसमेंट मेथड। लास्ट टॉपिक है स्टेरिलिटी टेस्टिंग। तो इसमें हम मीडियम्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम या फिर FTM, अल्टरनेट थायोग्लाइकोलेट मीडियम या फिर ATM, ये दोनों यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरिया को। और सोयाबीन केसिन डाइजेस्ट मीडियम यूज़ किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए फंगी को। तो FTM जो होता है ये बना होता है L-cysteine, सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोस मोनोहाइड्रेट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन, सोडियम थायोग्लाइकोलेट, रिजर्व यूरिन सोडियम डिस्टिल्ड वाटर, और pH रखी जाती है 7.1। देन जो ATM होता है ये FTM की तरह बना होता है, लेकिन इसमें रिजर्व यूरिन सोडियम नहीं होता है प्रेजेंट। देन जो सोयाबीन केसिन मीडियम होता है इसमें होता है NaCl, डेक्सट्रोज मोनोकेसिन, सॉरी डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट, पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ केसिन, देन सोयाबीन डाइजेस्ट, देन डाइपोटाशियम पथालेट डिस्टिल्ड वाटर, और इसकी pH रखी जाती है 7.3। फर्स्ट मेथड है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड या डायरेक्ट फिल्ट्रेशन मेथड। ये इसमें एक ऐसा अपरेटस होता है, यहाँ से हम सैंपल को डालेंगे अंदर, तो यहाँ पे एक सीव लगी होती है जिसका पोर साइज 0.45 यू होता है, और जब हमने फिल्टर किया तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यहाँ रह जाएंगे और बाकी सैंपल नीचे आ जाएगा। देन इसको जो ये हमारी सीव है इसको हम टू पार्ट्स में कट कर लेंगे, एक को हम डालेंगे FTM में और दूसरे को डालेंगे ATM में। तो इसको 30-35 डिग्री सेल्सियस पे, और ये इसको 14 डेज के लिए छोड़ देंगे। अगर हम सोयाबीन केसिन मीडियम लेते हैं तो 22-26 डिग्री सेल्सियस 7 डेज के लिए छोड़ देंगे, और अगर ग्रोथ होती है तो ये फेल हो जाएगा और ये स्टेराइल नहीं है। देन डायरेक्ट इनोक्यूलेशन मेथड, हम लेंगे सैंपल, कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर लेंगे, इसको हम डिप करेंगे इनोक्यूलेटिंग लूप को सैंपल में, फिर कल्चर मीडिया में 14 डेज के लिए छोड़ देंगे, अगर ग्रोथ होती है तो ये फेल हो जाएगा। देन इसको करने के लिए हमें करना क्या है, सैंपल को मिक्स करेंगे कल्चर मीडिया में और सोयाबीन केसिन मीडियम डालेंगे, इंक्यूबेट करेंगे 40 डेज के लिए 20-25 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर हम FTM में डालते हैं तो इसको इंक्यूबेट करेंगे एटलीस्ट 7 डेज के लिए 30-35 डिग्री सेल्सियस पे। ट्यूब डाइल्यूशन मेथड और कप प्लेट मेथड हम यूनिट 4 में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम 1% डिसइंफेक्टेंट का सोल्यूशन लेते हैं ट्यूब डाइल्यूशन में, और 9 ml सॉल्वेंट में टेस्ट ट्यूब्स में ले लेंगे। इसमें 1 ml इसका हम इसमें डालेंगे, इस वाली टेस्ट ट्यूब से इसमें डालेंगे, तो ये 0.1%, 0.01% और 0.001% होगा। देन कल्चर मीडिया को हम सब में डालेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे और 24 hours के लिए छोड़ देंगे। अगर तो टर्बिड नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है, तो मतलब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वो टेस्ट पास हो जाएगा। थोड़ा सा टर्बिड है, और अगर बहुत ज़्यादा टर्बिड है तो वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। कप प्लेट मेथड या अगार प्लेट मेथड में हम कल्चर मीडिया डालेंगे अगार के सॉल्यूशन में, देन ये कूल होगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा,
फिर हम उसमें होल बना के डिसइंफेक्टेंट डालेंगे। तो जैसे ही हम डिसइंफेक्टेंट डालेंगे तो जो पहले इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो पूरे पूरे स्कैटर्ड होंगे, लेकिन जैसे ही डिसइंफेक्टेंट डालेंगे और उसका एक्शन होगा तो वो दूर हो जाएंगे, ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा हमें, ये आसपास ये सारा एरिया क्लियर हो जाएगा। ऑल फॉर नाउ, थैंक यू, लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।